लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैं नानाश्री को जीवित वापस नहीं ला सका। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। नहीं पुत्र, यह समय शोक का नहीं है। शोक करके नानाश्री की आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। नानाश्री की मृत्यु नहीं हुई है, यह वीर गति को प्राप्त हुए हैं। नानाश्री राक्षस साम्राज्य के जनक है, इन्हीं के कारण हम लंका के स्वामी बने और तुम मेघनाथ से इंद्रजीत बने। नानाश्री का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनका नाम राक्षस इतिहास में युगो युगो तक अमर रहेगा। बोलो प्रेरणा मूर्ति राक्षस आदि पुरुष वीर बाल सुमाली की जय। वीर बाल सुमाली की जय। वीर बाल सुमाली की जय। मेघनाथ बंद करो ये रोना धोना और बंदी इंद्र को हमारे कारागार में डाल दो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। राक्षस वीरों, नानाश्री के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए और हमें अकेला छोड़ दिया जाए। जाओ, ले चलो इसे। रावण, ये परशु राक्षसों के स्वाभिमान का चिन्ह है। इसी परशु से तुम्हें समस्त शत्रुओं को परास्त करना है। तू राक्षस संस्कृति का प्रतीक है। इस परशु से मैं अपने सारे शत्रुओं की गर्दन काट दूंगा। क्या तुम्हें पहले से पता था कि सुग्रीव के सहायता के लिए हनुमान ने बुलाए तो वनवासी राजकुमार ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हाँ राज, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है या नहीं, ये देखना हमारा काम है। तुमने हमें सूचना क्यों नहीं दी? मैं समझने में असमर्थ था कि आपको इसकी सूचना देनी आवश्यक है या नहीं। हमसे आवश्यक सूचना छुपाने का अर्थ है हमसे विद्रोह, और वानराज बाली से विद्रोह करने का परिणाम तू भलीभांति जानता है। अवश्य शत्रुओं से जा मिला है। नहीं वानराज, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। हनुमान को बैठा कर आपके पास लाने से। तू झूठ बोलता है। जय श्री राम। वीर बाबू तुम जाओ। बाली, एक निर्बल और निर्दोष सेवक पर अपना क्रोध उतार कर तुम ये समझ रहे हो कि तुम शत्रुओं को समाप्त करने में सफल हो जाओगे?
हनुमान तुम बिना बुलाए फिर यहाँ चले आए, और कितनी बार अपमानित होना चाहते हो तुम मुझसे? बाली, जैसे तुम अपमान समझते हो, मेरी दृष्टि में वो समझौते का एक और प्रयत्न है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार समझाने आया हूं भाई। सुग्रीव से अपनी शत्रुता समाप्त करके उसे अपना लो। अब भी समय है बाली, अब भी समय है। अर्थात तुम मुझे फिर से धमकाने आए हो? वानरराज बाली को जय श्री राम। नहीं मित्र बाली, नहीं, मुझ पर यह झूठा दोष ना लगाओ। मैंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि तुम बार बार अलग अलग परिस्थितियों में मुझसे टकराने की चेष्टा की, और मैंने हर बार तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। मैं सच्चे हृदय से कहता हूं बाली, सुग्रीव के भाई होने के नाते मैं तुम्हें भी अपना भाई समझता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे प्राण संकट में पड़े, इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर लो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। बंद करो ये नाटक हनुमान। मेरे सहनशीलता की परीक्षा मत लो। इसी समय निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से, निकल जाओ। घूर घूर के क्या देखता है हनुमान? क्या तुझे यहाँ से हटाने के लिए मुझे मेरे सैनिकों को बुलाना पड़ेगा? जय श्री राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाली, अब तुझे समझाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शत्रुता ने तुझे पूरी तरह से निगल लिया है। अब संसार की कोई भी शक्ति, कोई शक्ति तुझे मरने से नहीं बचा सकती। जय श्री राम। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, सुग्रीव से बैर का त्याग कर दीजिए, अन्यथा। पिताश्री, हमने अभी अभी हनुमान का स्वर सुना है, हनुमान हमारे हितैषी हैं, वे अवश्य हमें समझाने आए होंगे। हनुमान का नाम ना लो मेरे सामने, इसी समय निकल जाओ यहाँ से। नाग, हमने सुना है दशरथ नंदन श्री राम सुग्रीव की सहायता करने आए हैं। हाँ पिताश्री, हमने यह भी सुना है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे जिसकी सहायता करते हैं उसकी विजय निश्चित होती है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये किसने कहा तुमसे? ये बात तो सारा जगत जानता है स्वामी, आश्चर्य है आपको इस बात का ज्ञान कैसे नहीं हुआ। पिताश्री, जो श्री राम की शरण में जाता है श्री राम उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। हनुमान ने श्री राम अवश्य कहा था, परंतु उसने ये नहीं बताया कि श्री राम सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं। तुम सत्य कह रहे मंगत, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम कर रहे हैं, उसे भला कौन कर सकता है? स्वामी, सुग्रीव से शत्रुता छोड़कर श्री राम की शरण में चले जाइए, वे आप दोनों के बीच की ये शत्रुता, ये विवाद समाप्त कर देंगे। हाँ पिताश्री, मान लीजिए हमारी बात, चाचा सुग्रीव से शत्रुता का त्याग कर दीजिए। नहीं अंगद, हम वानरवीर एक बार जिस बात का निश्चय कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। मैं तुमसे भी यही कहता हूं, अपने निश्चय पर अटल रहना, फिर परिणाम चाहे जो हो। वानरराज बाली की जय हो। क्या बात है प्रहरी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वानरराज, आपके भ्राता श्री आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। वो कायर एक बार भाग गया था और आज फिर आ गया हमारे हाथों मरने के लिए, परंतु आज हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुग्रीव! पिताश्री, हाँ।
लक्ष्मण, ये वही स्थान है ना जिसका पता सुग्रीव ने हमें बताया था? हाँ भैया। हनुमान कितना समझाने पर भी बाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो भी सुग्रीव के प्राणों का प्यासा है। हाँ भैया, इस शत्रुता का अंत बाली के वध के साथ ही संभव है। उसे समझाने के सारे प्रयास निष्फल हो चुके हैं। सुग्रीव, रुक जा कायर। मैंने आपसे क्या शत्रुता की थी? क्या इस तरह छुपकर बाण चलाना आप जैसे क्षत्रिय का धर्म है? मैं तुम पर बाण चलाने के लिए विवश था बाली। अपने मित्र सुग्रीव को दिए गए वचनों की रक्षा करने के लिए मैंने तुम पर बाण चलाया। सुग्रीव आपका मित्र और मैं आपका शत्रु? मित्र केवल इसलिए कि वो आपकी धर्म पत्नी देवी सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए आपका सहयोग कर रहा है। श्री राम, आपने
मुझसे तो सहयोग नहीं मांगा, तो फिर मैं आपका शत्रु कैसे हुआ श्री राम? कहिए प्रभु, कहिए कि मैं आपका शत्रु कैसे हुआ श्री राम? आप केवल मुझे एक बार कहते हैं, एक बार मैं देवी सीता को अकेले ही रावण के चुंगल से छुड़ा रहा था। अब तो जानते हैं कि रावण बार बार मेरे हाथों पिटा है, बार बार उसने मेरे सामने हार मानी है, फिर भी आपने मेरे बल का सही अनुमान नहीं लगाया। बाली, प्रश्न ये नहीं है कि तुम मेरे मित्र हो या शत्रु, प्रश्न ये है कि अन्यायी कौन है। मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने सुग्रीव के प्रति शत्रुता का त्याग नहीं किया। बाली, जो व्यक्ति अपनी कन्या, अपनी बहन तथा अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति काम वासना की दृष्टि रखता है, उसे इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। बाली, आज जो कुछ भी हुआ मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं, परंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। श्रीराम, आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप सत्य कह रहे हैं। ये मेरे पापों का ही फल है जिसे मुझे आज भुगतना पड़ रहा है श्री राम। बाली, हर व्यक्ति को अपनी करनी का फल यही भोगना पड़ता है। मैं तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बना, मेरे अगले जन्म में श्री कृष्ण के अवतार में तुम मेरी मृत्यु के निमित्त बनोगे। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं बाली। वहां उस जन्म में तुम एक व्याध के रूप में मेरे श्री कृष्ण के अवतार में मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। यह रहस्य मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मरते समय तुम्हें कोई पश्चाताप ना हो। धन्य हो श्री राम, धन्य हो। इससे श्रेष्ठ मृत्यु और क्या हो सकती है? स्वयं भगवान के हाथों मरण। श्री राम, मुझे अपने मरने का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। सुग्रीव, भ्राता सुग्रीव।